हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर डिलीट हुआ मैसेज या एसएमएस वापस नहीं आ रहा है तो कैसे आप उसे वापस लाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना है और जो भी मैसेज आप डिलीट किए हैं, अगर आपने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया है गाइस तो शायद वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गलती से, देखिए आप यहाँ पर अगर डिलीट किया रहेगा, जैसे कि थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, फिर गाइस क्लिक करना है यहाँ पर एक, देखिए अर्चिव वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर रहेगा डिलीट होकर, अर्चिव गलती से किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों मैसेज को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, और गाइस यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट का और अर्चिव का। तो गाइस, आप जब भी किसी मैसेज को डिलीट करना, अगर वो लगे आपको कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पर परमानेंटली डिलीट मत करना, आप यहाँ पर क्लिक करना। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर किए होंगे तो गाइस वो मैसेज डिलीट नहीं हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे वापस लाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अर्चीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो आप अर्चीव किए रहेंगे यहाँ पर शो होगा, आप इसे गाइस बिल्कुल ही आसान तरीके से वापस ला सकते हैं। वापस लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे डिलीट करने के लिए करते हैं, और फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें वापस लाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए मैसेज वापस आ चुका है। तो गाइस, अगर आपने भी इसी प्रकार डिलीट किया होगा तो वापस आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, जब भी आप डिलीट करना तो यहाँ से ऐसे ही डिलीट करना, ताकि आपकी मर्ज़ी, आप उसे बाद में अगर वापस लाना चाहते हैं तो वापस ला सकें। थैंक यू।